अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। काल सायंकाळी 7 सुमारास जामनेर एमआयडीसी मध्ये असलेल्या भंगार गोडाऊनला अचानकपणे शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली होती। ही आग एवढी भीषण होती की जामनेर नगर परिषदेच्या अग्निशामक दलाच्या मोठ्या अथक प्रयत्नांती ही आग आटोक्यात आली असून या आगीत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही। शॉर्ट सर्किट और टेम्पायर की वजह से मतलब केबल में शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे वहाँ पर पेप्सी थिबक नली पड़ी हुई थी, उसने आग पकड़ ली। उसके बाजू में टायर वगैरह पड़े हुए थे, बम्पर, वो आग थोड़ी पड़ी, बढ़ते बढ़ते वो आग एकदम आधे घंटे में पूरी आग पकड़ ली। से आग पकड़ी तो मुझे मुझू छोकरे का फ़ोन आया वहाँ से, MIDC से हमारे वॉचमैन का, और यहाँ पर आग लग गई। वैसे फिर फायर ब्रिगेडर वालों को उनको फ़ोन वन करके एक डेढ़ घंटे में वहाँ पे आप आधे पौन घंटे में गाड़ी आ गई। MIDC के जितने भी आजू बाजू के लोग थे, जब तक कि उन्होंने प्रयत्न करे आजू बाजू पानी डाल के उसको आग को बुझाने का काम करे। बाद में हम सभी लोग गांव से सब इधर के भी लोग पहुंच गए थे, पूरे के भी पहुंच गए थे, हमने उसको बुझाए और फिर वो 2-3 घंटे में आग पूरी काबू में आ गई। तकरीबन कितना नुकसान हो गया? तकरीबन 5-7 लाख रुपये का नुकसान अपना हो गया। टायर वगैरह गाड़ी थी वहाँ पर, कुछ 5-4 टन थी वह कंबू मिल रही थी, बाकी माल बहुत सा रहता, लेकिन लॉकडाउन बंद होने की वजह से बहुत सा माल हमारा सब तैयार करके आने में खरीदी में क्योंकि बच गया, बाकी आगे का माल भी पूरा बच गया। एक जो कोपरा जो चुपता शॉर्ट सर्किट हुआ था, बाकी का वो सब जल गया, टायर वगैरह टिकट वगैरह ये सब माल जल गया। बाकी सभी लोगों ने आके प्रयत्न करके सब पूरा आपको काबू हो पाया। 7 बजे तकरीबन ये आग लगी, 10 बजे तक के पूरी बुझ गई। 2 बम्बे मंगाए थे नगर परिषद के, दोनों बम्बों से वो आग बुझी। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।